और इस वक्त सीधा सुनेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जहां पर योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। जब हम लोगों ने प्रदेश के घोषित अपराधी और माफियाओं को उनकी भाषा में जवाब देना प्रारंभ किया तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन करना प्रारंभ किया। ऐसा लगता है कि अपराध और समाजवादी पार्टी चोली दामन का साथ है और एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते हैं। अपराध एक मानसिक विकृति है और उस मानसिक विकृति के दायरे में जब लोग आ जाते हैं, उसको अपना पेशा बना लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपराध के खिलाफ चलने वाली हर उस मुहिम में वे स्वयं बाधक बनते हैं। और ये वही मानसिकता है, जब कोई घोषित अपराधी मारा जाता है तो उसके बाद इनके कैंडल मार्च शुरू होते हैं, उसके बाद उनके समर्थन में इन लोगों के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य और फिर इनके द्वारा न्यायालय में की शरण में जाकर के सरकार को घेरने और सुरक्षा एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करने की जो कार्रवाई होती है, यह भी हम लोगों ने देखा है और हम उन स्थितियों का सामना कर भी रहे हैं। महोदय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से लेकर के अब तक विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम चले हैं, और अगर मैं 2016 की तुलना में इन आंकड़ों को देखूं तो दहेज मृत्यु में 3.38% की कमी आई है, बलात्कार की घटनाओं में 18.59% की कमी आई है, अपहरण की घटनाओं में 4.19% की कमी आई है, और अन्य घटनाओं में भी हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिनके माध्यम से हम बेटी की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। अभी हाल ही में हमारी सरकार ने 218 नए फास्टैग कोर्ट का गठन किया है। मुझे लगता है विपक्ष में हमारे समाजवादी पार्टी के मित्रों को सबसे ज्यादा परेशानी इससे होगी, क्योंकि फास्टैग कोर्ट से जब अपराधियों को सजा दिलाने की कार्रवाई अब प्रारंभ हुई है, आपने देखा होगा अभी हाल ही में सिद्धार्थनगर जनपद में एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना के 5 दिन के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी, विवेचना, चार्जशीट दाखिल करना और चार्जशीट दाखिल करने के 5 दिन के अंदर डे टू डे की सुनवाई के बाद दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा भी करवाई गई। और पास्को एक्ट के अंतर्गत इतनी बड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश के अंदर औरैया में 27 दिन के अंदर, और लगभग आज के दिन पर 6 दर्जन से अधिक ऐसे दुष्कर्मियों को 1 महीने के अंदर सजा दिलाई गई है जो इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं और जिनके द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। घटनाएं कोई भी हो, उसके पक्ष में कभी भी दलील नहीं दी जानी चाहिए। अपराध अपराध है और अपराधी को सख्त सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। सरकार इस बात की पक्षधर है और फास्ट ट्रैक कोर्ट इसी उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से हम लोग उन अपराधियों को, महिला संबंधी अपराधों में लिप्त तत्वों को सख्ती के साथ सजा दे सकें। और इस दिशा में सरकार के प्रयास और सरकार के द्वारा की जा रही कार्रवाई, ये इसमें कहीं कोई संदेह किसी को भी मान्य सदस्य को नहीं होनी चाहिए। महोदय, कल यहां पर उन्नाव की घटना और कल जो घटना बिजनौर में घटित हुई है, इन दोनों घटनाओं का जिक्र भी हुआ है। मैं मानता हूं दोनों घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, और उन्नाव की घटना में एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, 5 अभियुक्त जेल में हैं, इस पर कार्रवाई चल रही है, एसआईटी गठित करके इस पर पूरी कार्रवाई हो रही है। मैनपुरी में जो घटना सामने आई थी नवोदय विद्यालय की, यहां पर जब कार्रवाई के बाद इस पूरे मामले में हम लोगों ने जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया था, समयबद्ध ढंग से विवेचना को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्रवाई जनपद स्तर पर, पुलिस अधीक्षक के स्तर पर जो शिथिलता बरती गई, इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी नवोदय विद्यालय समिति के अध्यक्ष होते हैं, जिलाधिकारी ने स्वयं इन चीजों की समीक्षा नहीं की, हमने जिलाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की और एक एसआईटी गठित करके अपराधियों के डीएनए जांच और इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कोई भी अपराधी बचने न पाए।
और ये सरकार की कार्रवाई का हिस्सा है और सरकार इस बात के लिए पूरी तरह पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने किसी अपराधी को दिल्ली की नैना सानी कांड जैसे बचाने का प्रयास नहीं किया है, जिसमें कांग्रेस की एक नेत्री को कांग्रेस के एक नेता ने काट काट करके तंदूर के अंदर भूनने का कार्य कर दिया था। ये कार्य ये लोग अपने आंचल में झांक करके देखें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, केंद्र और प्रदेश की वर्तमान सरकारों के समय कहीं भी मुजफ्फरनगर जैसी घटनाएं नहीं घटित हुई। पूरे प्रदेश में 2.5 वर्ष के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ, चाहे वह प्रदेश के अंदर, यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रयागराज कुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन किया। 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। लोकसभा निर्वाचन कुशलतापूर्वक संपन्न हुए। और यही नहीं, कश्मीर में धारा 370 को हटाने के बाद और अयोध्या में से राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला आने के बाद आपने देखा होगा पूरे प्रदेश के अंदर शांति का जो एक संदेश दिया, पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने इसको सराहा है। आज इसी का परिणाम है, पूरे देश और पूरी दुनिया ने इस बात को एक स्वर से स्वीकार किया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सर्वोत्तम है, देश के लिए भी और दुनिया के लिए एक नजीर है। और उस नजीर का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर यही कारण है कि बड़ी मात्रा में निवेश के प्रस्ताव आए हैं, उनको इंप्लीमेंट किया है, उनको हम लोगों ने जमीन पर उतार करके प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया है। महोदय, उत्तर प्रदेश में पिछले 2.5 वर्ष के दौरान हर पर्व और त्योहार को कुशलतापूर्वक संपन्न होना, सभी कार्रवाई को सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर, यहां पर एक कोई किसी भी जाति मात